नमस्कार, मैं जसिका, आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी, बताया कानून के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन के मामलों में सख्त टिप्पणी की है। जस्टिस बीआर गवई की बेंच ने सुनवाई करते हुए कहा कि आपराधिक कानून में किसी आरोपी के खिलाफ बुलडोजर एक्शन कैसे लिया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि अगर कोई दोषी भी करार दिया जाए तो भी उसके खिलाफ बुलडोजर एक्शन नहीं ले सकते, यह कानून के खिलाफ है। जमीयत उलेमा ए हिंद ने यूपी, मध्य प्रदेश और राजस्थान में हुई घटनाओं का हवाला देते हुए याचिका दायर की थी। इस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह कानून के खिलाफ है और हम इसे लेकर निर्देश जारी करेंगे। कोर्ट ने कहा कि इसके साथ ही राज्यों को नोटिस भी जारी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में अब इस मामले की सुनवाई अगले सोमवार को होगी। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में आफत की बारिश, 20 से ज्यादा लोगों की मौत, 100 से ज्यादा ट्रेनें रद्द। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भारी बारिश के चलते 20 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। दोनों राज्यों में बाढ़ के हालात बन गए हैं। सड़कें जलमग्न हो गई हैं और रिहायशी इलाकों में पानी भर गया है। ट्रैक पर पानी भरने से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 100 से ज्यादा ट्रेनें रद्द करनी पड़ी हैं, जबकि कई ट्रेनों का रूट बदला गया है। दोनों राज्यों में नदियां उफान पर हैं और गंभीर हालात को देखते हुए हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है। हैदराबाद में स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से फोन पर बात कर हर संभव मदद का भरोसा दिया है। वहीं मौसम विभाग ने आदिलाबाद, निजामाबाद, राजन्ना सिरसिल्ला, यादरी भुवनगिरी, विकाराबाद, सांगारेड्डी, कामारेड्डी और महबूबनगर में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। आप विधायक अमानतुल्ला को ईडी ने किया गिरफ्तार, दिल्ली वक्फ बोर्ड मामले में कार्रवाई। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। ईडी की टीम ने सुबह उनके घर पर छापा मारा और लंबी पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। ईडी ने अमानतुल्ला खान के खिलाफ ये कार्रवाई दिल्ली वक्फ बोर्ड मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में की है। अमानतुल्ला खान पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप हैं। इससे पूर्व अमानतुल्ला खान के घर पर जब ईडी की टीम पहुंची तो उन्होंने गेट नहीं खोला। बाद में लोकल पुलिस ने आकर अमानतुल्ला खान के घर का गेट खुलवाया। इसके बाद ईडी की टीम घर में दाखिल हुई और जाँच की। वहीं आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि अमानतुल्ला खान ने पत्र लिखकर ईडी को बताया था, फिर भी टीम उनके घर पहुंच गई। दूसरी ओर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि अगर आपने चोरी की है या अपराध किया है तो जवाब देना होगा, कानून सबके लिए बराबर है। सपा नेता नवाब सिंह यादव का डीएनए सैंपल मैच, नाबालिग ने लगाया था रेप का आरोप। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में सपा नेता नवाब सिंह यादव पर नाबालिग लड़की ने रेप का आरोप लगाया था। इस मामले में नवाब सिंह यादव के डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट पुलिस के पास आ गई है। कन्नौज के पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद के अनुसार नवाब सिंह यादव का डीएनए सैंपल मैच हो गया है। आरोप है कि बीते 11 अगस्त की रात नवाब सिंह यादव ने अपने कॉलेज परिसर में नाबालिग के साथ रेप किया था। पुलिस ने उसी रात आरोपी पूर्व ब्लॉक प्रमुख को गिरफ्तार कर लिया था। इस मामले में पीड़िता की बुआ को भी आरोपी बनाया गया है। आरोप है कि जब नवाब सिंह यादव ने घटना को अंजाम दिया था तो उस समय पीड़िता की बुआ कमरे के बाहर मौजूद थी, लेकिन पीड़िता के आवाज लगाने पर भी उसने मदद नहीं की थी। मणिपुर में फिर भड़की हिंसा, गोलीबारी और बम से हमले में 2 की मौत, 9 घायल। मणिपुर के इम्फाल पश्चिम जिले में रविवार को उग्रवादियों के हमले में एक महिला सहित 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक पुलिस अधिकारी समेत 9 लोग घायल हुए हैं। इनमें 5 लोगों को गोली लगी है जबकि अन्य को बम के छर्रे लगे हैं। स्थानीय लोगों ने दावा किया कि हमले में ड्रोन बम का इस्तेमाल किया गया है। पुलिस के अनुसार उग्रवादियों ने कोतरुक और कडांग बांड घाटी में फायरिंग की और ड्रोन से बम गिराए। कोतरुक गांव में उग्रवादियों ने खाली पड़े घरों में लूटपाट की और घरों व वाहनों में आग लगा दी। इसके साथ ही सीएम बीरेन्द्र सिंह के बयान से नाराज कुकी जो विलेज वॉलंटियर्स ने वीडियो जारी कर धमकी दी कि मैतेई लोगों ने 3 दिन में गांव खाली नहीं किए तो कुकी वॉलंटियर्स उन्हें खदेड़ देंगे। महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन में सीट बंटवारे पर बनी सहमति, तीनों प्रमुख दलों की बैठक में हुआ निर्णय। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन में सीएम एकनाथ शिंदे की शिवसेना, बीजेपी और अजीत पवार की एनसीपी के बीच सीटों पर करीब करीब सहमति बन गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार महाराष्ट्र की कुल 288 विधानसभा सीटों में से भाजपा 160 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, जबकि शिवसेना शिंदे गुट को 60 से 70 सीटें मिल सकती हैं। दूसरी ओर अजीत पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को 50 सीटों से संतोष करना पड़ सकता है, हालांकि अजीत पवार ने 60 सीटों पर दावा किया है। वहीं बीजेपी की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा
कि विधानसभा चुनाव के लिए सत्तारूढ़ गठबंधन के सहयोगी दलों के बीच सीटों के बंटवारे पर बातचीत 10 दिनों में पूरी हो जाएगी। उन्होंने कहा कि सीटों के बंटवारे का पैमाना संख्या नहीं बल्कि जीतने की संभावना होगी। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव अक्टूबर नवम्बर में हो सकते हैं। अब IIM से MBA करेंगी नव्या नवेली नंदा, अहमदाबाद में लिया एडमिशन। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन की नातिन नव्या नवेली नंदा ने देश के टॉप मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट IIM अहमदाबाद से मैनेजमेंट की पढ़ाई करेंगी। नव्या ने सोशल मीडिया पर लिखा कि IIM अहमदाबाद में एडमिशन मिलना उनके लिए किसी सपने के साकार होने जैसा था। अमिताभ बच्चन की बेटी श्वेता बच्चन की बेटी नव्या नवेली नंदा ने इंस्टाग्राम पर IIM अहमदाबाद के कैंपस की फोटोज शेयर की हैं। उनके इस पोस्ट पर लाखों लाइक्स आए हैं और उनकी मां श्वेता व शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान ने भी कमेंट किया है। IIM अहमदाबाद देश का टॉप मैनेजमेंट कॉलेज है और यहाँ एडमिशन मिलना आसान नहीं होता है। नव्या नवेली नंदा ने IIM अहमदाबाद के 2 वर्षीय ब्लेडेंट पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम में एडमिशन लिया था। यह फुल टाइम प्रोग्राम है। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे देश दुनिया की नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए IIMT मीडिया।